अचला सप्तमी के अवसर पर श्रीमठ बागरम्भरी गद्दी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचारहानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की नींव अचला सप्तमी के दिन ही रखी गई थी। इसके उपलक्ष्य में ही अचला सप्तमी महोत्सव का आयोजन मठ में शनिवार को किया गया। आयोजन में माघ मेला क्षेत्र में प्रवास कर रहे कई बड़े संत शामिल हुए। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के बटुकों ने वैदिक मंगलाचरण, लौकिक मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, श्लोक पाठ और संयुक्त संस्कृत गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत ओमकार गिरी महाराज रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता और गोविंद पुरी जी महाराज ने की। समारोह के दौरान विद्वानों का पूजन और सम्मान किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन भी हुआ। मठ के महंत बलबीर गिरी महाराज ने बताया कि मेला क्षेत्र में प्रवास व कल्पवास कर रहे साधु संतों एवं विद्वानों का इस मौके पर पूजन व सम्मान किया गया है। भविष्य में कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाएगा। देखिए, आज के दिन जो है हमारे यहाँ अचला सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है। अचला सप्तमी महोत्सव के दिन ही यहाँ बागम्बरी गद्दी में विचारानंद गिरी जो संस्कृत उत्तर माध्यमिक महाविद्यालय है, इसकी नींव रखी गई थी विचारानंद गिरी जी महाराज के द्वारा। और तब से ये जो है चले आ रहा है। विद्वानों का इस दिन जो है विद्वानों का पूजन किया जाता है, विद्वानों का सम्मान किया जाता है, और उन्हीं विद्वानों के सम्मान के रूप में ये भंडारे का आयोजन रखा जाता है, जिसमें भारत के जो भी संत महंत जो भी कल्पवास में माघ क्षेत्र में पधारते हैं उन सभी का इस दिन आदर सत्कार किया जाता है। और उसी रूप को जो पिछली बार सूक्ष्म रूप में किया था, इससे थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। भविष्य जब महादेव हनुमान जी के आशीर्वाद हो, कृपा होगा, तो इसे विशेष रूप दिया जाएगा। ओम नमो नारायण। शांति सुशांतिर्भवतु सर्वार्य शांतिर्भवतु।